किया है कि शिव महापुराण में भी हम लोग वर्णन करते आए हैं कि बाबा का जो शिवलिंग आप यहाँ दर्शन कर रहे होंगे, तो हमने कहा है पहले भी कि राइट में गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय बाबा का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये जो गोल धारी दिख रही है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल होता है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां होती हैं, जया, विशहरा, शामलीबारी, दौतली, देव। ये शंकर की 5 बेटियां उनके ऊपर जल गिराती रहती हैं। अब जब हम भगवान शंकर की पूजन करने के लिए बैठते हैं, चाहे कार्तिक शिवलिंग का पूजन करो या अपने शिवलिंग का, जो घर में पूजन है स्थान पर शिवलिंग है उसका पूजन कर रहे हैं, उस शिवलिंग का मुख उत्तर की ही ओर होना चाहिए। उत्तर की ओर अगर शिवलिंग का मुख है और प्रयास करो कि आपका जो शिवलिंग का जो जलाधारी है वो उत्तर की ओर हो, आप उस जलाधारी के सम्मुख में जब बैठे हो तो उत्तर की ओर मुख करकर ही, जलाधारी को उत्तर की ओर मुख करकर ही बैठे, भगवान शंकर की पूजन आराधना करें। बेलपत्री का जैसे भी आपको वर्णन किया गया था कि बेलपत्री जब समर्पित करें तो एक बेलपत्री अशोक सुंदर वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, बाकी की एक बेलपत्री हस्त कमल पर समर्पित करते हैं, 5 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं।